मॉर्निंग क्लास 10th, अभी तक हम लोगों ने बेटा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोगों का बेटा नेक्स्ट टॉपिक आया साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस। बेटा आपका अभी जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के बाद साइन कन्वेंशन आया था, सेम एज आपका यहाँ पर भी आ जाता है कि बेटा साइन कन्वेंशन क्या होंगे। क्योंकि इमेज जब फॉर्म होती है बेटा तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ कब माइनस होगी, कब पॉजिटिव होगी, इसके बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो बेटा यहीं पर आते हैं हम साइन कन्वेंशंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशंस। तो सिंपल से उसी तरह से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, आपका कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं जैसे आपका मिरर में बनाया गया था। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स वाई डैश, ये एक्स डैश, ये हमारा बन गया। हमारा जो आपके यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहीं पर हमारा क्या होगा, लेंस प्लेस होगा। क्या प्लेस होगा? लेंस प्लेस। तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट ऑलवेज बेटा प्लेस एट लेफ्ट साइड में प्लेस होता है। तो जितनी भी आल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जितनी भी आपकी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, कहाँ से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर, जितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस लाइक दिस, लाइक दिस, आपकी ये जितनी भी डिस्टेंस हैं बेटा, ये सारी आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस जितनी भी हैं सारी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। तो बेटा लेफ्ट साइड ऑल डिस्टेंस जितनी भी होती हैं, जिस तरफ आपको ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी सारी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे होंगी, निगेटिव, और राइट साइड की ऑल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये ध्यान से समझ लीजिए बेटा, लेफ्ट साइड की ऑल हॉरिजेंटल डिस्टेंस निगेटिव में और राइट साइड की ऑल हॉरिजेंटल डिस्टेंस पॉजिटिव में होगी। बिलो द प्रिंसिपल होगा कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, परपेंडिकुलर होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बेटा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बेटा होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो बेटा सिंपल सा आपके यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो आपने देख रहे हैं बेटा, ये सेम एज बेटा किसकी तरह है बेटा, आपकी मिरर की साइन कन्वेंशंस की तरह ही होते हैं बेटा। इसलिए मैंने कहा था पहले भी और आप फिर एक बार और कह रहा हूँ कि मिरर के जिसको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर बेटा उसको कोई भी एक भी पॉइंट भी उसको टफ लगने वाला नहीं है। बट जिसने मिरर पर लापरवाही की होगी, मेरे वीडियोज़ नहीं देखे होंगे सारे, तो बेटा उसको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए सबसे पहले मिरर के बेटा पूरे वीडियोज़ देख लीजिए और अच्छे से समझ ले, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको उनके लिए। तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन में। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कहता है बेटा कि ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से मेजर किए? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक। पहला, दूसरा पॉइंट ये है बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, या कह सकते हैं साइड ऑफ ऑब्जेक्ट placed, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस या साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे, जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। डिस्टेंस या हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर ऑलवेज निगेटिव। किसमें मेजर की जाती है? निगेटिव या एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, राइट साइड ऑफ द
लेंस, और ये कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और हॉरिजेंटल जेंटल डिस्टेंस मीजर्ड ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखें राइट साइड ऑफ द लेंस ऑफ लेंस, द लगेगा बेटा दान लगा ऑफ द लेंस, मीजर ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस मीजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, ये हो गए ये टू डिस्टेंस मीजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आर पॉजिटिव, किसमें होती है पॉजिटिव में होती है, ध्यान रखिए किसमें होती है पॉजिटिव में। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टेंस मीजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, किसमें होती है नेगेटिव में, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी होगी किसमें होगी नेगेटिव में होगी, जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया था बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी नेगेटिव एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। कार्टेशियन प्लेन से हमें समझ में आ गया बेटा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, तो कब पॉजिटिव होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कब डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कब आपका ऑब्जेक्ट की जो हाइट है पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो बेटा यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपका मिरर के अकॉर्डिंग। तो बेटा इसके पहले जब हम मिरर में आप साइन कन्वेंशन बताए थे तो एक चीज़ बताई थी, रियल इमेज जब भी आपकी आएगी, रियल इमेज ध्यान समझ लेना, रियल इमेज जब भी आपकी होगी तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल इमेज जब भी बनेगी क्या होगी रियल इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज होगी ऑलवेज बेटा ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा हाइट ऑफ इमेज क्या होगी नेगेटिव होगी। अब ये वर्चुअल इमेज बनी है, कैसी बनी है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है तो बेटा हाइट ऑफ इमेज हमारी, हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या होगी पॉजिटिव होगी, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। अब बेटा पहले हम कॉनकेव मिरर पे चलते हैं, आपकी क्या कैसा क्या होता है साइन ऑफ कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर बोल गया था लेंस, कॉनकेव लेंस। बेटा ध्यान से समझना है यहाँ पर लेंस है राइट साइड, बेटा यहाँ पर देख लेते हैं इसका डायग्राम बना के उसके बाद इसके हम सारी चीज पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे। बेटा C1 F1 C2 F2 2F1 एंड 2F2 ये बने, ऑब्जेक्ट हमारे इधर प्लेस होगा आपका लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या है लेफ्ट साइड, तो मिरर के क्या है बेटा सॉरी लेंस के किधर है लेफ्ट साइड में, तो आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें होती u, तो u ऑलवेज कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं u, u मीन्स क्या होता है
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। कोई भी केस हो, किस कोई भी केस, एनी केस या एनी लेंस या एनी मिरर, यू ऑलवेज नेगेटिव रहती है। इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑलवेज नेगेटिव। अब बेटा ध्यान से देखें बेटा, इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने जब पढ़ा था तो इसके जो कॉनकेव लेंस की बेटा सारे के सारे जितने भी इमेज आपकी दो इमेज थी वो किधर बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही साइड में बनती है, तो मतलब लेफ्ट साइड बनती है, लेंस के लेफ्ट साइड, तो वी ऑलवेज नेगेटिव। ये बेटा कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ एफ ऑलवेज नेगेटिव, इसमें सारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव में यू ऑलवेज नेगेटिव, वी ऑलवेज नेगेटिव, एफ ऑलवेज नेगेटिव, सारे इसमें नेगेटिव होते हैं। अब हम साइन कन्वेंशंस की कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, साइन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो बेटा आ जाते हैं साइन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, डायग्राम बना के देख लेते हैं, उसके बाद बेटा सही से समझेंगे। बेटा फोकस टू एफ टू एफ टू एफ वन टू एफ वन ऑप्टिकल सेंटर ही हो गया। अब बेटा यहाँ पे फाइव केस में आपका पूरा अलग है, तो बेटा यहाँ पर हम पहले फाइव केस की बात करेंगे। इन फाइव केस का कौन सा केस छोड़ा है हमने, एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इस वाले को छोड़ा है हमने, के बाकी फाइव केसेस की बात कर रहे हैं। बेटा ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, तो बेटा यू ऑलवेज नेगेटिव। एंड वी बेटा ध्यान से देखोगे आप कि इसमें जो फाइव केसेस में होता है इस सब इसको छोड़कर सारी सारी इमेज आपकी राइट साइड ऑफ द लेंस बनती है, तो वी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एफ इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है किधर, द राइट साइड होता है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। जितने भी आप हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल फोकस कौन था, हमारा एफ टू था, तो प्रिंसिपल फोकस हमारा कौन सा होता है, एफ टू। तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा इन फाइव केसेस में था। अब बेटा इस केस की बात करें, केस नंबर सिक्स, कंडीशंस क्या थी बेटा, कंडीशन ये थी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था। तो बेटा जब ये वाला केस होता है तो ध्यान से देखो इसको, बेटा टू एफ टू एफ टू एफ वन टू एफ वन, बेटा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, बट अपीयर होगी बेटा बैकवर्ड, बेटा एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, बी बेटा अपीयर होती है यहाँ पे, कट करते हैं इमेज। इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जब आपके लेफ्ट साइड ऑफ मिरर बन रही है बेटा, बेटा जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर की ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी निगेटिव होती है, एक शॉर्टकट ही होता है इसको समझ लीजिए, जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उधर की ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निगेटिव होती है, तो बेटा यू निगेटिव, वी निगेटिव, ये इस केस की बात कर रहे हैं, एंड एफ ये आपका पॉजिटिव हो गया।
इसमें क्यों ये पॉजिटिव होता है। तो ये आपकी केसेस थे, मतलब सॉरी साइन कन्वेंशन थे, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन थे। और इनको थोड़ा एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं कैसे। यहाँ पर हमारा लेंस हो गया, ये हमारा यू, ये हमारा वी, ये हमारा एफ फोकल लेंथ, ये हो गया। पहला लेंस हमारा कॉनकेव, क्या होता है वी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सारे निगेटिव होते हैं। निगेटिव एंड निगेटिव, क्या होता है निगेटिव। अब हमारा कॉन्वेक्स ले लें, लेंस हमारा कौन सा है कॉन्वेक्स, यू निगेटिव, वी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव। और यहाँ आपका वी आपका पॉजिटिव है निगेटिव दोनों होता है। एक केस में आपको क्या होता है निगेटिव होता है, और एक केस में निगेटिव होता है, बाकी फाइव केस में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये आपका टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव, ये आपके बन गए इसको साइन कन्वेंशन के इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू केस। इमेज फॉर्मेशन इसमें आना बहुत ज़रूरी होता है, इमेज फॉर्मेशन आएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। इसके बाद आ जाता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है इसको समझ लेते हैं बेटा। लेंस फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको मालूम है बेटा आपका यूज कस्टम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी स्क्वायर टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड एफ स्क्वायर टू स्मॉल एफ स्क्वायर टू फोकल लेंथ, क्या हो गई डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस आपको फोकल लेंथ बताती है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला बन जाता है वन बाई एफ स्क्वायर टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। यहाँ पर बेटा लेंस फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है और लेंस फॉर्मूले में निगेटिव, मिरर फॉर्मूले में क्या होता है पॉजिटिव होता है, वन अपान वी प्लस वन अपान ई होता है, बट यहाँ पर आपका माइनस होता है निगेटिव होता है। तो आपका ये लेंस फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बाद हमारा आ जाता है मैग्नीफिकेशन, क्या आ जाता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, आप लोग जानते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मैग्नीफिकेशन को। तो बेटा सिंपल सा मैग्नीफिकेशन जब स्मॉल एम से डिनोट होता है ये क्या होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसका फॉर्मूला ही बनता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है, ये होता है आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा इमेज अपॉन हाइट ऑफ
बेटा स्मॉल एम इजकल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई आपका हाइट ऑफ इमेज, एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका होता है। इसका भी फार्मूला भी एक और होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो उसका भी फार्मूला ये होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, स्मॉल इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरा सिंपल से v अपॉन u, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन u। इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। बेटा यहाँ से एक चीज़ ध्यान समझ लेना, यहाँ पर आपको v अपॉन u निगेटिव नहीं होता, ये मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला मिरर में होता है वहाँ पर निगेटिव होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, बट यहाँ पर पॉजिटिव होता है प्लस v अपॉन u। तब बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा देखेंगे दोनों में मैग्नीफिकेशन एम एम इक्वल है, तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू, ये आपका फॉर्मूला है, ये भी बनता है। मोस्ट टाइम फॉर्मूला यही लागू लगता है, ये भी लगते हैं बट मोस्ट ये फॉर्मूला लगते हैं। तो आपका साइन कन्वेंशंस था, ये आपका साइन कन्वेंशंस खत्म हो गया यहाँ से आपका। इसके बाद न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, तो न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। अब बेटा हमारा एक टॉपिक और बचता है इसका, उसको हम देख लेते हैं, वो है बेटा पावर ऑफ लेंस। क्या है पावर ऑफ लेंस, क्या है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस पे डिस्कस करते हैं बेटा, क्या होता है पावर ऑफ लेंस। बेटा पावर ऑफ लेंस का एक सिंपल सा डिफिनेशन बनती है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बेटा लेंस को डिफाइन करती है पावर ऑफ लेंस को, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। सिंपल से इसको समझते हैं, रेसिप्रोकल था पावर इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मतलब वन बाई बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, बेटा पी इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एफ, क्या हो जाएगा वन बाई एफ हो जाएगा, पी इक्वल टू वन बाई एफ। ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, पावर ऑफ लेंस का। ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, इसके एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, क्या होती है डायोप्टर होती है, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ये ध्यान रखना। अब बेटा यहाँ पर जो वन है, वेयर यहाँ पर जो वन है, ये वन बेटा वन मीटर लिया जाता है, वन मीटर इसकी जो यूनिट होती है किस में होती है, मीटर में होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो वन है उसकी यूनिट किस में, मीटर में, यहाँ पे वन मीटर में है, ध्यान रखना यार, वेयर वन मीटर, ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। यहाँ पर एक डिफिनेशन और होती है, जब कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए, कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, इसका पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, तो सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस कार्ड, पावर ऑफ लेंस या एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लेंस, इसका पावर ऑफ लेंस, ये ध्यान रखना। ये कभी कभी बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस से मतलब रखते क्या, मतलब है क्या इसका, तब एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग
पावर ऑफ लेंस, इसका मीन्स ऑफ पावर ऑफ किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ही उसके आपकी पावर ऑफ लेंस होती है। तो इसका लिख लेते हैं द टी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस कॉल्ड, सॉरी आपका इट मींस आपका पावर ऑफ लेंस। तो ये आपका लेंस था, पावर ऑफ लेंस था। फॉर्मूला होता है पीस कस्ट वन बाई एफ, वहाँ जहाँ पर वन आपका किस में होगा, मीटर में होता है, इसको मीटर में लिया जाता है। आपका ऐसा ही डायोप्टर होते हैं जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आपका ये यहाँ पर आपका होल उसमें डिस्कस करें आज के उसमें, तो साइन कन्वेंशंस में, तो साइन कन्वेंशंस में आपके जो साइन है ये मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि यही आपके न्यूमेरिकल्स में मोस्टली पूछेगा। आप न्यूमेरिकल्स जब करना होता है तो न्यूमेरिकल्स में यही आपको सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। डाउट क्या क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही समझ में आता है कि यू आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कि वी आपका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगा, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपका आज पावर ऑफ लेंस ख़त्म हो गया, मतलब आपका लेंस चैप्टर, आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपका ख़त्म हो गया, आज से एंड हो गया। अब बेटा हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन इसमें यहाँ पर हम लेकर आएंगे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, उन 10 ईयर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आपसे, जो आप चुको समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा हम बताएंगे आपको। तो बेटा यहाँ से आपका आज इतना ही, गुड डे बेटा, बाय।